उमरिया जिले के बिरसापुर पाली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अंशुमन कमेटी के अध्यक्ष पद में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन पत्र सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समाज ने मांग की है कि वक्फ बोर्ड भोपाल के द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर कमेटी के गठन के लिए आवेदन किया जाता है, जिसमें चिन्हित लोग अध्यक्ष बनते हैं, जिसके चलते ही समाज का शायद उतना अच्छा हित नहीं होता। अतः अंशुमन कमेटी का चुनाव निष्पक्ष रूप से कराया जाना चाहिए। बताया गया कि विगत 30 वर्षों से यहाँ चुनाव नहीं हुआ है और आपसी बीच बचाव की आवाज़ सामने आ रही है, लेकिन मांग पूरी ना होने की दशा में आज उग्र प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे मुस्लिम समाज में यहाँ पाली में लगभग लगभग 30-40 वर्षों से कभी चुनाव नहीं हुआ है अंजुमन कमेटी के सदर के लिए, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि जैसा कि भारत लोकतांत्रिक देश है और हर व्यक्ति को अपना मुखिया चुनने का अधिकार है और पाली के मुस्लिम समाज को भी अपना मुखिया चुनने का अधिकार है, कोई व्यक्ति बाहर से वक्फ बोर्ड से सदर बन के आ जाता है जिसको हम लोगों को जबरन सहना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए आज हमारा पूरा मुस्लिम समाज एसडीएम महोदय को इस बात का ज्ञापन दिया है कि पाली में भी विधिवत रूप से आप सामाजिक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कराएं, जिससे माहौल अच्छा रहे और निर्वाचित व्यक्ति ही हम लोगों के बीच में मुखिया के रूप में रहे। हमारी मांगे ये है कि जो मुस्लिम समाज का अंजुमन कमेटी होती है, जिसमें पूरा समाज जो है मिलकर काम करता है, पिछले कई सालों से जो है इसका चुनाव नहीं हो रहा और ये कोई भी अपने तानाशाही में बन जाते हैं और उसके बाद मनमानी करते हैं, जबकि अंजुमन कमेटी जो चलती है वो पूरे मुस्लिम समाज के पैसे से चलती है, एक एक पैसा हर आदमी देता है, लेकिन उसका कभी कोई हिसाब मांग लिया तो कोई हिसाब नहीं देता है और बुरा भला कहते हैं, किसी भी तरीके से कोई हिसाब नहीं दिया जाता और कई सालों से जहाँ जहाँ भी कमेटी काम कर रही है कोई हिसाब नहीं देती। और चुनाव की बात आती, पिछले 4-5 साल से हम लोग लगे हुए कि चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो और आवाम जो है जिसको चुन ले फिर वो रजिस्ट्रेशन करा ले और काम करे, वो सही तरीका है, जिसमें आवाम में जो रोष व्यक्त हो रहा है, लोग आज जो ये माहौल बना हुआ है कि चुनाव होना चाहिए, अपने हक की बात कर रहे हैं पूरे मुस्लिम समाज के लोग, और इसी सिलसिले में आज एसडीएम महोदय को आवेदन ज्ञापन दिया गया है कि इस पर श्रीमान जी जांच करें और इस पर जो है जल्द से जल्द चुनाव करवाएं। क्या कुछ कहा है एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर जांच करेंगे और चुनाव के लिए जो भी होगा वो करेंगे। कितने वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है? चुनाव तो 20-25 साल से नहीं हुआ है, 40 साल और इस बीच में 4-5 साल से लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को दबा दिया जाता है और मनमानी किया जाता है।